हेलो फ्रेंड्स, मेहताब टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो एक कूलर में वाटर पाइपिंग के बारे में है कि यानी कि कूलर में जो हमारे तीन तरफ पानी बहता है चालू करने पे, तो उसके बारे में आज ये है। तो आज हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमको इस्तेमाल क्या क्या चीज़ करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो इस्तेमाल करने के लिए एल्बो है, यानी कि दो एल्बो होगा और एक टी होगा, यानी कि टी जो हमारी है एक टी लगेगी। और इसमें हम ये पाइप का इस्तेमाल करेंगे, आधा इंची पाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से जो नाप यहाँ लेना है वाटर, जिधर पे हमको ये पाइप लगाना है, इसको हम पहले खोल लेते हैं। ये खोलने के बाद हम यहाँ पे जहाँ हमको यहाँ पाइप लगाना है इधर साइड और इधर साइड पाइप लगाना है, ये तीनों तरफ जो है हमारा पाइप लगेगा। तो पहले हम इसकी नाप ले लेते हैं। ये मैंने नाप ले लिया है, ये देखिए यहाँ पे ये साइज का इस साइड वाला है। तो इसी नाप का हम एक और काट लेंगे, यानी कि ये हमारा आमने सामने का हो जाएगा। तो ये हमारा दो पाइप हम इसको काट लेते हैं। ये मैंने ये दो साइज हमारा हो गया है। अब ये हमारा जो है पीछे वाले का हम साइज लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम टी लगा लेते हैं, इसलिए कि हमारा साइज जो है थोड़ा छोटा बड़ा ना हो, इसलिए हम ये टी लगाने के बाद में फिर हम नाप लेते हैं। ये हमने टी लगाया, यहाँ से हम इसको ऐसे बराबर नाप लेंगे और थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्योंकि ये टी के अंदर जो है थोड़ा सा पाइप अंदर जाएगा, वो हिसाब से हम थोड़ा सा इसको बड़ा ले कर फिर यहाँ से हम इसको काट लेंगे। ये हमने इसको काट लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका सेंटर ले लेंगे, ये जो है पाइप का बीच में सेंटर ले लेंगे, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये मैंने इसको बीच से काट दिया है, और ये जो पीछे साइड लगेगा जो एकदम बैक में होगा उधर साइड, ये इसको लगाएंगे टी वाला। ये देखिए इस प्रकार से हमको ये टी लगा देना है, यानी कि ये जो हमारा इस टाइप से लग गया है ये, और इसमें हमारा टिल्लू वाला पाइप लगेगा। और क्या करना है, ये जो हमारे दो पीस बचे हुए हैं ये, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा पीछे वाले में ये वाला पाइप है, इसमें हम एल्बो लगा लेते हैं। ये हमने एल्बो इसमें लगा लिया, और इसी साइड एक इधर एल्बो लगा लेंगे हम। ये मैंने एक इधर साइड भी लगा लिया है, और इसी एल्बो में हम साइड साइड से ये पाइप लगा देंगे इस टाइप से। दोनों साइड ये हम ये पाइप को लगा देंगे। ये देखिए हम इसको ऐसे रखने के बाद इसको बराबर कर लेते हैं, इस डिजाइन से हम बराबर कर लेंगे कि इसमें हम आराम से ये फिट बैठ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाने के बाद इसमें हम जहाँ जहाँ मैंने एल्बो लगाया है, टी लगाया है, उधर हम टेप मार देंगे, जिससे कि ये हमारा अगर थोड़ा पानी का प्रेशर पड़े तो ये निकले नहीं। तो देखिए यहाँ से हम टेप मार देते हैं, इसमें जहाँ जहाँ पे हमारा एल्बो का ये और ये पाइप लगा हुआ है उधर टेप मार देंगे, उससे डबल फायदा रहेगा। एक तो ये पानी नहीं निकलेगा, और दूसरी बात ये हमारा जो है ये पाइप भी बाहर नहीं आएगा। ये आप देख सकते हैं, और जहाँ टी हमने लगाया यहाँ टी में भी हम लगा देंगे। और ये टी का थोड़ा ये ध्यान देना पड़ेगा, जब हमारा पाइप ऐसे रहेगा तो टी थोड़ा नीचे साइड को करें, कि नीचे हमारा टिल्लू वाला पाइप ये आराम से इसमें लग जाए, इस टाइप से रखना है। और इसमें भी हम यहाँ पर टेप मार देंगे, जहाँ जहाँ हमने पाइप लगाया है उधर साइड टेप मार देंगे, जिससे कि पानी हमारा ना लीकेज होगा और ना ही यहाँ से पाइप निकलेगा। तो इधर साइड भी हमने मार दिया है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ये हमने टेप यहाँ पे लगा दिया है, अभी इसमें हम हाँ, तो इसमें हमने देखिए यहाँ पे पूरे में टेप लगा दिया है, जहाँ जहाँ हमने यहाँ पे लगाया है पाइप,
एल्बो में टी में और इधर साइड भी एल्बो में। अब हमको क्या करना है, यहाँ जो किनारा है, क्योंकि यहाँ से अगर हम पाइप लगा देंगे टुल्लू वाला तो पानी यहाँ से आएगा और सीधे यहाँ से निकल जाएगा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम ये कैप को लगा देंगे जिसके वजह से ये हमारा पानी यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ से आगे नहीं आएगा, तो इससे प्रेशर हमारा जो है पीछे साइड जहाँ भी हम होल करेंगे उधर साइड से प्रेशर से पानी निकलेगा। देखिए यहाँ पे लगाने के बाद भी मैंने टेप लगा दिया कि जिससे कि ये प्रेशर से हमारा ये बाहर ना हो। अब दूसरे साइड भी हम यही कैप लगाते हैं, कैप लगाने के बाद में फिर हम इसमें टेप मार देंगे। अब हमको क्या करना है, ये तो हो गया हमारा काम, अब जो मेन बचा हुआ है यहाँ जो नीचे साइड, ये हमारा पाइप जो है इस टाइप में लगेगा, यानी कि टी नीचे साइड रहेगा, तो हमको क्या करना है, अभी यह है नीचे साइड, ये इधर साइड हम थोड़ी थोड़ी दूर पे यानी कि दो दो इंची पे कम से कम इसमें हम होल करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें जो है होल करते हैं। तो देखिए होल करने के लिए क्या करना है, ये हम एक एक ये दो दो इंची पे बस ये पेचकस से करेंगे, आराम से हो जाता है, बिल्कुल आराम से, बस थोड़ा दूर पे करना है इस टाइप से। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार से हम क्या करना है, सारा जो है पूरे पाइप में जो है, हाँ तो देखिए हमने ये इस तरह से ये पूरे तीनों पाइप में होल कर दिया है। तो बस हमको अब इसको क्या करना है, सबसे पहले कि ये होल वाला जो हिस्सा है ये नीचे साइड की तरफ रहेगा, क्योंकि जब हम इसको इस टाइप से रखेंगे तो पानी ये हमारा पूरा ये घास के ऊपर आएगा, तो इसलिए जो होल वाला हिस्सा है वो हमारा इस टाइप से होना चाहिए। तो देखिए हमने इसको पूरा तरह से होल करके एकदम फिट कर दिया है, बस ये अब आपको क्या करना है, इसी के फ्रेम के साथ यहाँ पर देखिए ये दिया है, ये घास दिया है, बस इसी साइड पे इसको साइड पे लगा देते हैं और इधर साइड भी ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए दोनों साइड लगाने के बाद में बस इसी डिजाइन से रख देते हैं और एक तार ले कर पतला यहाँ पर बांध देंगे और इधर साइड एक बांध देंगे, जिसके वजह से हमारा पाइप उठाने में कूलर वूलर ये हटे नहीं। तो ये हमारा, और यहाँ पे क्या करेंगे, ये टिल्लू का जो हमारा पाइप है वो यहाँ से पानी पे इस पर लग जाएगा, जिसके वजह से ये पूरा चारों तरफ से नहीं, ये तीन ही तरफ से पानी निकलेगा, यानी कि सामने से तो हवा निकलेगी, ये साइड में है और पीछे है। तो ये इसी डिजाइन से आपको जो है पूरी पाइपिंग करना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।